very warm good afternoon to all the students. As you all are familiar with me, today is our second lecture of biology of 11th class. So kal humne syllabus discuss kiya tha, aaj hum apni unit start karenge jo ki hamari unit first hai, diversity in living world. तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको सैम्पल पेपर के बारे में बताना चाहती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में किस तरह का पैटर्न आता है. ओके, यहाँ पे पैटर्न जूलॉजी और बॉटनी का डिस्कस करने के लिए आपको आज के लेक्चर में मिलेगा, साथ में आपके यूनिट वाइज जो आपकी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेक यहाँ पर जो बॉटनी का है सैम्पल पेपर वो डिलीट हो चुका है एक्चुअली में, सो इट्स सॉरी फॉर दैट, इट हैज़ बीन डिलीटेड, जो कि मैं आपको बाद में अलग से भेज दूँगी पीडीएफ में. सो नेक्स्ट जो पीडीएफ मैं आपको भेजूँगी उसमें मैं आपके बॉटनी का मतलब आपको डाल दूँगी सैम्पल पेपर, पर इसमें आप जूलॉजी का ही देखो, मुझसे गलती से डिलीट हो गया है. सो यू कैन सी आपकी 35 मार्क्स की जूलॉजी है, उसमें यू कैन सी दैट सेक्शन ए ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, इसमें आपको 1-1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका. ओके, सेक्शन बी आपकी जो है वो आपकी वेरी शॉर्ट है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और दोनों 2-2 मार्क्स के हैं, तीनों 2-2 मार्क्स के हैं, मीन्स कि आपके ओवरऑल 6 मार्क्स बनते हैं. और यहाँ पे इंटरनली ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, जस्ट एक फोर्थ क्वेश्चन में चॉइस है, यू नो डिफरेंस बिटवीन अमीनो एसिड्स, राइट नोट ऑन अमीनो एसिड्स एंड ऑन ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है, सेक्शन सी आपकी शॉर्ट आंसर्स वाली है जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें कोई चॉइस नहीं है, बट लास्ट का जो 5th क्वेश्चन है यानी कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन और व्हाट इज़ एक्सक्रिएशन, इसमें आपको चॉइस है. सो इसमें आपका जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स कैरी करता है, सो यू हैव 5 क्वेश्चंस, ओवरऑल 15 मार्क्स आपको सब के सब करने हैं, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको एक चॉइस है. सेक्शन डी में आपको चॉइस है जो कि आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं. ठीक है, इसमें क्या है आपको 4 क्वेश्चंस होते हैं विद इंटरनल चॉइस, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं इंटरनल चॉइस, जैसे स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और न्यूक्लिक एसिड्स, एंड थर्ड इज़ ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और व्हाट आर हार्मोन्स. ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरनली चॉइस दी गई है, 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन आपका जो है वो 5 मार्क्स का है, सो यू हैव ओवरऑल 10 मार्क्स. सो इस तरह से आपके जूलॉजी का पैटर्न है, आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो सकते हैं. सो मूविंग टूवर्ड्स आवर यूनिट फर्स्ट दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. ओके, ये बहुत ही समझने और वाले बेसिक यू नो इट्स वेरी बेसिक यूनिट, इसमें आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है बेसिक यूनिट्स क्या हैं, बेस क्या है यूनिट का. ठीक है, ये ऐसे यूनिट नहीं है कि आप मतलब ऐसे ही सोचें कि 11th क्लास है कोई नहीं पूछेगा. सो ये आपको बहुत बेस से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, यू हैव टू डू इट. ओके, और पैनिक नहीं होना कि लेंथ है या बहुत वास्ट है सिलेबस, बट आप हम बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लाइन से शुरू करेंगे, दैट व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी. ठीक है ना, सो बायोलॉजी क्या है सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं. सो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, एंड व्हाट इज़ साइंस, साइंस इज़ द कलेक्शन ऑफ द डाटा, कलेक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू लॉजिकल थिंकिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स. सो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस, देयर मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी बिहेवियर्स फंक्शन सेल स्ट्रक्चर्स देयर इंट्रैक्शन विद द नेचर. ठीक है, बायोलॉजी आपकी ये है, बायोलॉजी इज योर होल स्टोरी ऑन अर्थ. ठीक है ना, ये बायोलॉजी जो है एवोल्यूशन की स्टोरी है आपकी, इस बायोलॉजी इज़ अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑन अर्थ, इट नरेट्स ए स्टोरी. बायोलॉजी ये तब से है, शुरू से भी शुरू से है, जब से कॉस्मोस बनी है, यूनिवर्स बनी है, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है वहीं से बायोलॉजी है, वही बायोलॉजी है, ये डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स को हम देखते हैं.
इतनी सारी वैरायटीज हम जो देखते हैं, लिविंग चीज़ें जो हम देखते हैं, व्हाट मेक्स देम अलाइव, इट इज़ द बायोलॉजी. व्हाट इज लाइफ फॉर्म्स, इट इज़ द बायोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी. ठीक है ना. सो वी हैव चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. व्हाट काइंड ऑफ वैरायटीज आर देयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस लिविंग वर्ल्ड. ना सो दिस इंक्लूड्स योर होल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेराइटीज, वेरियस थिंग्स, वेरियस लाइफ फॉर्म्स. यहाँ पे हर एक तरह की लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं. इन प्लांट्स देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स. इन एनिमल्स ऑल्सो, इन बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, हर एक की अपनी अपनी खूबी है, एक वेराइटी है. बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि डाइवर्सिटी क्रिएट करता है. सो उसी को ही समझना, उसी को ही पढ़ना, उसी को ही कैटेगराइज करना, एक फॉर्म में लेके आना, एक स्टडी में लेके आना, ठीक है, एक उभरता हुआ सब्जेक्ट, वो बायोलॉजी है. क्या है लाइफ फॉर्म्स, क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, क्या करती हैं, उसकी स्टडी को जानना बायोलॉजी है. सो दिस इज़ योर बायोलॉजी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, हाउ दे इवॉल्व, हाउ दे केम, व्हाट आर दे नाउ डूइंग. ऐसी अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता, बट वो एग्जिस्ट करती हैं. दिस इज़ ऑल्सो बायोलॉजी. ओके, सो दिस इज़ ऑल इंक्लूड्स your chapter, the diversity in the living world. So to understand this, कितनी depth तक है, मतलब biology जो है वो बहुत depth तक है. It's a multidisciplinary subject. इसमें physics की ज़रूरत भी है, chemistry की ज़रूरत भी है, और maths की ज़रूरत भी है, stats की ज़रूरत भी है, हर एक subject की ज़रूरत है. यह हर एक subject को लेकर बना है. Okay. सो हर एक सब्जेक्ट की इसमें ज़रूरत है. एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और आगे बहुत सारी फील्ड्स में यह एप्लीकेबल भी है. आप किसी भी फील्ड में देख लो, बॉटनी में देख लो, जूलॉजी में देख लो, देन यू टेक इन द बायो टेक्नोलॉजी, देन इन माइक्रोबायोलॉजी, देन इन डायटिक्स, ठीक है ना, देन इन वेटनरी साइंसेज, इन एग्रीकल्चर फील्ड, हॉर्टिकल्चर, हर एक चीज़ में बायोलॉजी एप्लीकेबल है, उसका रोल है ही है. मेनली बायोलॉजी की दो ही ब्रांचेस हैं जो कि काफ़ी सालों से अब तीन बन चुकी हैं. तो इट इंक्लूड्स थ्री ब्रांचेस, दैट इज़ योर बॉटनी विथ द स्टडी ऑफ द प्लांट साइंस, ठीक है ना. प्लांट साइंस की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे. दैट इंक्लूड्स योर प्लांट्स, देयर मॉर्फोलॉजी, देयर फिजियोलॉजी, देयर बिहेवियर, देयर फंक्शंस, देयर इंट्रैक्शंस विद द नेचर, diseases associated with them and their treatment. All these includes your botany, plant science. And zoology may be same, plants, behavior changes, morphological, physiology, developmental biology, histology of animals, and each and everything is included in your zoology. So वो सब किस में आपके include है, zoology में include है. So it's all about your zoology. And third is your microbiology, which includes the all about your microbes, whether they are viruses, fungi, bacteria, microbes ki study, their structure, their relations with the humans and the other organisms, what the change they cause in the environment, all this is included in your microbiology. Okay. So this is all about the diversity in the living world. So बहुत सारे ऐसे समय समय पर साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इस साइंस को आगे रखा है, ठीक है, आगे इसको रखा है कि एक पॉइंटरिंग, एक शार्प सब्जेक्ट बन सके टाइम टाइम पे. लाइक एरिस्टोटल, विच इज़ नाउन एज फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है. He was the first to distinguish the plants. उन्होंने सबसे पहले division system लाया था. Then in he mentioned the stages in the chick embryos.
So that's why he is known as the father of the biology and father of botany, you know, Theophrastus, who wrote Historia Planarium, Planetarium. हिस्टोरिया प्लानिटेरियम जिसमें कि 4000 से भी ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बॉटनी और योर कैन यू कैन से दैट द बायोलॉजी. सो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, लाइक फादर ऑफ जेनेटिक्स इज़ नाउन एज मेंडल, ग्रिगर जॉन मेंडल, जिन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत सारा, जेनेटिक्स को अगर आज किसी ने सामने लाया है तो वो मेंडल नहीं लाया है, जिन्होंने पी प्लांट पे अपनी क्रॉसेस शुरू किए थे, जेनेटिक्स वहीं से शुरू की थी. तो इस तरह से ये है कि बहुत सारे, ये बायोलॉजी आज से नहीं है, बहुत टाइम से है, प्री वैदिक एजेस से है, वैदिक एज से है. प्री वैदिक एज आज से कितने हज़ार साल पहले, वहाँ पे जब नोमैड मैन अपने प्लांट साइंस आई मीन प्लांट्स ग्रो करना शुरू किया, तब ये प्लांट साइंस सामने आई. नदी के किनारे रहने लगे ताकि प्लांटेशन अच्छी हो, प्लांटेशन होने लगी. सो एक तरह से एक साइंस, एक प्लांट साइंस उभर के बाहर आई. दे केम टू नो अबाउट द यूज़ ऑफ प्लांट्स, देयर एग्रीकल्चर. देन वी हैव, उसके बाद वैदिक एज में बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, लाइक एंड पोस्ट वैदिक एज में बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, लाइक यू हैव सुश्रुता, फादर ऑफ सर्जरी. उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारी सर्जरीज परफॉर्म्ड की हैं, सर्जरी ऑफ नोज, सर्जरी ऑफ हर्निया, बहुत सारी उन्होंने सर्जरी की हैं, जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी. ही वॉज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी. देन चरक, जिन्होंने डाइजेशन पे और मेटाबॉलिज्म पे और डिजीज़ पे बहुत कुछ बताया था. सो ही रोट चरक संहिता, जिसमें सब कुछ एक एक करके लिखा हुआ कि डिजीज़ क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं. सो आयुर्वेदा, आयुर्वेदा द साइंस ऑफ इंडिया, जो हमारी अपनी खुद की साइंस है आयुर्वेदा. आयुर् मीन्स लाइफ एंड वैदिक मीन्स नॉलेज, नॉलेज ऑफ लाइफ एंड लॉन्गिविटी. सो ऑल दीज थिंग्स, ये साइंस या पढ़ाई आज से नहीं है, ये पुराने टाइम से ही चलती आ रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोलॉजी, विच इज़ द साइंस ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस. सो आवर चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ओके, कि इतनी सारी डाइवर्स फॉर्म्स कैसे आई हैं, ये एवोल्यूशन से ही आई हैं. टाइम टू टाइम एवोल्यूशन होता गया, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूट होती गई, स्प्रेड होती गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता गया, हर एक स्पीशीज इवॉल्व होती गई, न्यू स्पीशीज आती गई और उससे क्या होता गया, डाइवर्सिटी बनती गई, वेरिएशंस आती गई ना, तो वेरिएशंस चेंजेस से क्या हुआ, डाइवर्सिटी आती गई. वी ह्यूमंस आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड एडवांस्ड क्रिएचर ऑन दिस अर्थ. मैन इज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की लेवल, सभी ऑर्गेनिजम्स नीचे हैं और जो मैन है वो टॉप पे है, तभी इतनी तबाही भी हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हाउ डाइवर्स फॉर्म्स आर फॉर्म्ड, हाउ दे आर क्रिएटेड और व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दे प्रोड्यूस. उसके बाद क्या है कि जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी उतनी न्यू स्पीशीज जो हैं वो सामने आती जाएंगी. सो आवर चैप्टर इंक्लूड्स डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. उसके बाद सबसे अलग बात ये है कि जितनी डाइवर्सिटी होती है, जितनी यहाँ पे जितनी हम डाइवर्सिटी अपने आसपास पे देखते हैं, डाइवर्स फीचर्स हैं, क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑल दे मेक अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो. ठीक है, खूबसूरती का पूरा ऐसे खिला खिला सा सब रहता है. एक छोटा सा छोटा ऑर्गेनिज्म, बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म, आपस में सब इन रिलेटेड हैं. सबसे अलग बात यह है कि वो एक ही स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं, दे केम फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स. As you know, life originated from the sea.
सो किस तरह से केमिकल्स और बायोकेमिकल रिएक्शंस एक्यूमुलेट होके एक छोटा सा एनिमल क्यूल और एक मास ऑफ सेल आपके सी में प्रोड्यूस हुआ था, जिससे एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, एंड देन म्यूटेशंस केम, वेरिएशंस केम, चेंजेस आते गए, और किस तरह से एक बहुत सारे चेंजेस आते गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड हुए. हम पढ़ते हैं अपनी बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी, अलग अलग फाइलम्स हैं, डिवीजन्स हैं, जिनमें हर कैटेगराइजेशन पे एनिमल्स को रखा गया है. ऐसे ही नहीं सब शामिल किए हुए गधे घोड़े की रेस में, सबकी अपनी अपनी कैटेगराइजेशन है. टाइम टू टाइम एवोल्यूशन हुई हुई है. अब लाइक एव्स, बर्ड्स, उनको हम एक्वेटिक्स के साथ मैच नहीं कर सकते. जब कभी ऐसे हुआ होगा, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सी, एक्वेटिक एनिमल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, देन दे वॉट डू, उन्होंने क्या किया, वो उसके बाद अडेप्टेशन से एम्फीबियंस, लाइक वो पानी में भी रहने लगे और लैंड में भी आने लगे. देन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि टोटल टेरिस्टल एनिमल्स आ गए, देन एरबोरियल्स आ गए जो पेड़ों पर रहने लगे, देन एव्स भी आ गए, बर्ड्स जो हवा में उड़ने लगे. सो ऑल दिस कैटेगराइजेशन, देन मैमल्स. सो सभी एनिमल्स की टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होती गई, एवोल्यूशन आती गई, और वेरिएशंस के कारण इस तरह से जो आज हम अपने आसपास डाइवर्सिटी देख रहे हैं लाइफ फॉर्म्स की, बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में, वो इसी कारण है. सो दैट्स व्हाई आवर चैप्टर इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. सो डाइवर्सिटी जो है वो एवोल्यूशन, वेरिएशंस और चेंजेस की वजह से ही आई हुई है. सो वी शुड कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी ना. हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म की, वेदर प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. सब में एक ऐसा कॉमन फीचर है, बेशक वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनिमल क्यों ना हो, मैन ही क्यों ना हो, और एक छोटा से छोटा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, बट सब में अपने अपने एक ऐसा कॉमन फीचर ज़रूर प्रेजेंट है जो हम सब में एक है, क्योंकि हम सब एक ही उस लाइफ में ओरिजिनेटेड फ्रॉम सी वाले एनिमल से ही निकले हुए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. देन व्हाट्स मेक यू द लिविंग लिविंग द लिविंग वर्ल्ड, व्हाट मेक्स यू लिविंग, बीइंग अलाइव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग, जीवित चीज़ क्या हो सकती है, लाइक कोई भी अगर लिविंग बींग है, छोटे से छोटा बैक्टीरिया है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, या मैन है या प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, और एक स्पेशल रिस्पॉन्स दिया जाता है इन्वायरमेंट को. इफ़ वी ट्राई टू हार्म ऑर्गेनिज्म, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा करेगा. अगर उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ चाहिए तो वो उसे अटैक करने की कोशिश करेगा, और अगर नेचर में कोई चेंज आ रहा है तो उसे जज करने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ. क्या ग्रोथ एक क्राइटेरिया है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है which makes you being alive? Growth basically increase in mass and increase in number. When there is increase in mass and increase in number of individuals, then it is known as growth. Multicellular organisms जो हैं वो cell division से grow करेंगे. Plants जो हैं उनमें growth जो cell division से होगी, पर life throughout the life होती रहेगी. But animals में क्या होगा, ये एक certain age तक होगी. सो ग्रोथ, यू नो, ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल्स डिवाइड, डिवाइड एंड डिवाइड, माइटोसिस अकर, एंड थ्रू दिस द एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई. बट समटाइम्स ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखी गई है, जैसे कुछ कई बार माउंटेंस या बाउल्डर्स या स्टैंड माउंट्स ग्रो हो जाते हैं. वी कई बार हमसे सुनने को आता है कि माउंटेंस की जो एलिवेशन पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया है, कुछ केमिकल्स या कुछ इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ भी सैंड है वो इकट्ठी हो जाएगी, वो ग्रो कर जाएगी. कहीं पर भी कुछ एरिया में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी कुछ मटेरियल्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं, केमिकल्स और मटेरियल्स एक्यूमुलेट करके
सो क्या होता है कि वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है, बट वो ग्रोथ बाहरूनी होती है, एक्सटर्नल नहीं होगी, इंटरनल नहीं होगी। सो इस टाइप की ग्रोथ में जिसमें समटाइम्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो करते हैं ग्रोथ, कि उनमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीज आया है, सो ग्रोथ को हम एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं रख सकते लिविंग सिस्टम का। नाउ व्हाट कम्स इन अवर माइंड, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी हैं लाइक स्टेराइल स्पीशीज़, म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं जो ड्रोन्स होते हैं, एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कितनी सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होती और दे आर नॉट फर्टाइल, दे डू नॉट अंडरगो रिप्रोडक्शन। सो उनमें क्या होता है, सो उनमें तो ग्रोथ वाला रिप्रोडक्शन वाला क्राइटेरिया ही नहीं है। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ये बात सच है कि जो नॉन लिविंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते या रेप्लिकेट नहीं करते, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शंस नहीं होती, वो अपने आप में रेप्लिकेट नहीं होते, अपने ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं करते। उस केस में हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। यूजली ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो कहीं ना कहीं ग्रो करते ही करते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा है, वो बडिंग से ग्रो करेंगे। प्लेनेरिया जो है वो ट्रू जनरेशन शो करते हैं। फ्रेगमेंटेशन होती है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें वो अपना लॉस्ट पार्ट जनरेट करते हैं, और न्यू ऑर्गेनिज्म भी समटाइम्स बन जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन। ओके, सो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, उसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस वर्ड्स हैं क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स में उनमें ग्रोथ फैक्टर ही आपका रिप्रोडक्शन करता है, या आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से ही ग्रोथ होती है। ओके, सो इस तरह से इन केस में हम क्लियर भी नहीं है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। सो ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में जितने भी अंदर केमिकल्स प्रेजेंट हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल्स होते हैं, और यही केमिकल्स कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ये कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं और अंदर रिएक्शंस चलती रहती हैं, लाइव रिएक्शंस चलती रहती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, जिसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम बनता रहेगा या ब्रेक होता रहेगा। लाइक रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज की जो ब्रेकेज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और प्लांट्स में क्या करते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, यू नो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड दैट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। सो कुछ ना कुछ अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, रिएक्शंस होती रहती हैं, इन्हीं कन्वर्जन्स को जो केमिकल कन्वर्जन्स हैं, इन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हमारे अंदर हो रही होती हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती हैं, फिर चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। और इसी मेटाबॉलिज्म को, जब सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म इज़ कॉल्ड सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। बट ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइव रिएक्शंस शो नहीं करते, दे डू नॉट अंडरगो मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे कोई भी बायोमोलिक्यूल्स नहीं बनते या बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस नहीं होती। और एक बात यहाँ पे और भी है कि ये फ्री सेल में अगर हम देखें, इन विट्रो अगर हम फ्री सेल सिस्टम में से देखें, तो ये रिएक्शंस ना तो ये लिविंग है, अगर हम इसे टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करेंगे तो या ना तो ये लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है। मतलब बॉडी के आउटसाइड अगर हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं इन विट्रो किसी टेस्ट ट्यूब में, पर अगर इस मेटाबॉलिज्म को हम, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है ये,
क्योंकि इसे जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, लाइव रिएक्शंस होती हैं, लिविंग थिंग्स में तो नहीं होती, बट ये लाइव रिएक्शंस होती हैं, लिविंग रिएक्शंस होती हैं ना। सो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ गई आपकी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बॉडी की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी, सेल होना, यू नो, हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन फ्यूचर है कि वो सेल से तो बना ही बना हुआ है। सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स मल्टीप्लाई एंड बहुत सारे सेल्स बन के आपके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके आपके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलके आपके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम आपका मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म क्या है आपका, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स और डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। नेक्स्ट वी हैव परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकली, केमिकल और बायोलॉजिकल। यस, एक सबसे अलग फीचर जो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है कि वो अपने सराउंडिंग्स को, इन्वायरमेंट को जज कर सके, अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सके। प्लांट्स जो हैं वो लाइट, वाटर, टेम्परेचर, हीट, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, दे शो द रिस्पॉन्सेस। एनिमल्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो शो करता ही करता है, ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी बॉडी में कोई केमिकल है या नेचर में कोई चेंज आ रही है, वो अपने आप को अडाप्ट करने का कोशिश करेगा, वो जज करेगा इन्वायरमेंट को, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा, उसे पता होगा कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या गलत है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा और समटाइम्स कुछ बेनिफिट लेने के लिए ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेगा। सो इट हैज़ कॉन्शियसनेस एंड सराउंडिंग्स के बारे में, हर किसी को अपने, एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड ह्यूमन बींग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। हमें अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस ऑल्सो बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। कॉन्शियसनेस भी एक प्रॉपर्टी है हर, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में कॉन्शियसनेस नहीं है, वो ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं करते। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डिफाइन करना हो तो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिविंग, यू नो व्हाट मेक्स यू लिविंग और व्हाट मेक्स यू बीइंग अलाइव। दिस इज ऑल अबाउट योर लिविंग वर्ल्ड। सो दिस इज योर ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, कि क्या क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं विच इंक्लूड्स इन योर दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे और टू बी वेरी श्योर आपको इसको समझना है अच्छे से, क्योंकि आज ही आपका फर्स्ट लेक्चर थ्योरी के हिसाब से, जो हमने लेक्चर शुरू किया है चैप्टर के हिसाब से, ये आपका फर्स्ट लेक्चर ही है। कल वाले लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोलॉजी। सो अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन थिंग, टू अंडरस्टैंड द नेचर, नेचुरल फिनोमिनन क्यों है, कैसे है। साइंस आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाई, हाउ, व्हाट। सो दिस इज़ द मेन साइंस बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, और जो कि सब कुछ बायोलॉजी में इंक्लूड है। हम इसे पढ़ेंगे अच्छे से, वी विल स्टडी इट इन डिटेल। सो कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी आपको पता होने चाहिए, जैसे किस साइंटिस्ट ने क्या किया था, क्या मैं आपको बताया है स्टार्टिंग में, यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट इट। ओके, लाइक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ नाउन एज कैरलस लिनस, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा था, इज़ नाउन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इवन कुछ उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि एक पॉइनरिंग काम किया है उन्होंने, हायरार्की लेवल बनाया है ना, कि कैसे कैसे किस किस प्लांट को हम कैसे कैसे नेम करेंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म को, वेदर इज प्लांट और एनिमल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आपकी साइंटिस्ट की मेहनत थी जो इस सब्जेक्ट्स को आगे तक लेके गए। हर एक फील्ड के हर एक साइंटिस्ट ने बहुत काम किया होता है,
उसके सब्जेक्ट को आगे तक लेके जाना, लोगों तक जागरूक करवाना कि दिस इज़ योर साइंस, दिस इज़ योर सब्जेक्ट, ये है नेचर में, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि नेचर में क्या है या क्या नहीं है। ठीक है ना, ये लिटरेचर ही होता है, एक्सपेरिमेंटली, ऑब्जर्वेशनली एंड लॉजिकली थिंकिंग से जो चीज़ें बेस्ड होती हैं, डाटा कलेक्ट होता है, वही लिटरेचर बनता है और हम पढ़ते हैं, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल इतने इस ह्यूज कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में इतना कुछ है कि इवन अभी बहुत कुछ अनडिस्कवर्ड है जो हमें पता भी नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं। सो इट्स वेरी गुड सोर्स, लिटरेचर इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो आज के लिए लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो कल से हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।